500 और 1000 रुपए के नोट को बंद हुए लगभग 2 हफ्तों के बाद भी ग्रामीण बैंकों की बैंक में पैसा नहीं पहुंचने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नोटबंदी को लगभग 2 हफ्ते बीत गए हैं, लेकिन अभी भी ग्रामीण बैंक की शाखाओं में पैसे नहीं पहुंच रहे हैं, जिसे देखते हुए भारत सरकार से पहुंचे पर्यवेक्षण जिला भर के अधिकारियों, व्यापारियों और जन प्रतिनिधियों सहित अन्य संगठनों के साथ बैठक की। बैठक के बाद सभी सुझावों को भारत सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। वहीं बैठक में पता चला कि सभी क्षेत्रों में शुरुआती दौर में नुकसान हुआ है। डीमोनेटाइजेशन को लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फाइनेंस ऑब्जर्वर नियुक्त किए थे। आज सभी स्टेक होल्डर्स, जितने हमारे संगठन हैं, मजदूर, व्यापार संघ, ट्रैफिक यूनियन, हमारे लोकल सिटीजन्स, बैंकर्स, हमारे रेवेन्यू अर्निंग डिपार्टमेंट, सबके साथ एक स्टेक होल्डर पार्टिसिपेटरी मीट हुई है। उसमें जो लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो डिस्कस हुई हैं। लिक्विडिटी क्रंच बैंक्स में देखने को मिला है और छोटी करेंसी नोट्स वो सप्लाई इनएडिक्वेट है। जो लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर के हैं, जो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट में कहीं पर एम्प्लॉयड नहीं है, जिनकी मजदूरी के बेसिस पे, वेजेस के बेसिस पे लिविंग चलती है, उनको प्रॉब्लम्स प्रकाश में आई हैं। तो उसको लेकर जो लिक्विडिटी क्रंच हमें बढ़ाना है वो सुझाव दिए गए हैं।